हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अलार्म इन ओप्पो एफ 19s। ओप्पो एफ 19s में अलार्म कैसे लगाना है, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल की यहाँ पर क्लॉक वाले एप्लीकेशन को ओपन करना। ये क्लॉक वाला एप्लीकेशन आपको कहीं भी मिल सकता है। क्लॉक वाले एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको एग्री एंड कंटिन्यू करना रहता है। तो यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं, इसकी परमिशन को अलाउ कर देते हैं। फिर यहाँ से आपको अलार्म, क्लॉक, स्टॉप वॉच और यहाँ पर टाइमर मिल जाते हैं। तो बट यहाँ से आपको अलार्म पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अलार्म लगा लेना है। तो अभी हम सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, 5:30 का, या फिर 5:30 का लगा लेते हैं। ओके, तो 5:30 AM कर देना है और यहाँ से आपको इसे ओके कर देना है। तो ये जो हमारा अलार्म सुबह 5:30 का लग चुका है। बाकी यहाँ से प्लस के आइकन पर जाएंगे, आप और भी अलार्म लगा सकते हैं, जैसे कि हम सुबह 8 बजे का भी लगा सकते हैं, 8:30 का, या फिर पूरे 8 बजे का लगा लेते हैं। तो पूरे 8 बजे का और सुबह AM हो चुका है। तो ये जो हमारा लग चुका है, अब यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे आप। तो अगर रिपीट करना चाहते हैं, जैसे रिपीट कौन कौन से दिन, तो यहाँ से संडे, मंडे, ट्यूसडे, हर दिन इस अलार्म को मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट कर देना है, बैक जाना है। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ये आपका हर दिन अलार्म बजने वाला है। बाकी ये जो अलार्म है सिर्फ एक ही दिन बजेगा। कस्टम पर क्लिक करने के बाद ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, तब ये भी आपका हर दिन अलार्म बजेगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म को लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।